अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्कॉटलैंड में। आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा, लास्ट डे स्कॉटलैंड में फोर्ट विलियम का एक टाउन है, उससे हम थोड़ा आगे थे। वहाँ पे एक गंडोला लिफ्ट थी, वो भी हमने ली। तो अभी हम वापस जा रहे हैं ग्लासगो। तो रास्ते में ये एक लेक आई है जिसका नाम है लेक ईल, या लॉक ईल भी कहते हैं इसको। एक नैरो सी लेक है, काफ़ी मतलब यहाँ पे खूबसूरत सी जगह है। उस साइड पे देखें ये सारे माउंटेन्स हैं, इसी साइड पे भी, और ये जब अंदर जाती है तो वहाँ पे फिर तंग सी हो जाती है, तो वो एरिया थोड़ा इसका, इसलिए इसको नैरो सी लेक कहा जाता है। जी तो फोर्ट विलियम से सफ़र जारी है ग्लासगो का, वापस जा रहे हैं घर। यहाँ पे रुका हूँ और ये जगह मैं कहता हूँ क्या बात है ना, जैसे कोई जन्नत का एक टुकड़ा नहीं, इस तरह इतनी खूबसूरत लग रही है। और आई डोंट नो कि ये कैमरा आपको इस तरह दिखा रहा हो, लेकिन ये कि जो आंखें मतलब वो मंज़र होता है ना, वो कैमरा तो ज़ाहिर नहीं दिखा सकता उस तरह, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत सा मंज़र है। यहाँ से आपको दिखाता हूँ ज़रा बाहर आके, काफ़ी लोग इधर इंजॉय कर रहे हैं। नीचे ट्रैकिंग बनी हुई है, लोग ट्रैकिंग भी कर रहे हैं, कैंपिंग वगैरह जो शौकीन है कैंपिंग के, नीचे कैंपिंग भी करते हैं। और इसके चारों तरफ पहाड़ है, एक वैली सी है, तो मैं आपको चारों तरफ से इसका नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखें इस तरह, पीछे मेरे बिल्कुल पहाड़ था इधर, ये देखें ऊपर, ये भी पहाड़ है। माशाल्लाह, सुभान तेरी कुदरत, क्या बात है कसम से। तो ग्लासगो का सफ़र उसी तरह ही जारी है, मोहब्बत की गाड़ी है, चल रही है, मोहब्बत के लोग अंदर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए, और ये बड़ी खूबसूरत सी लेक्स हैं इधर,
इसका नाम कोई लोक एक्लाइंस कोई इस तरह का नाम है, वही गैलिक एक्सेंट में बोलना बड़ा मुश्किल है जो इनकी अपनी ज़ुबान है। और इधर एक और लेक है उसका नाम है लेक बा या लोक बा। छोटी छोटी लेक्स हैं इस तरह और आगे पीछे सारे पहाड़ ही पहाड़ हैं। आगे पीछे देखें आप ना और से सारे देखें चारों तरफ पहाड़ हैं। तो इधर मैंने सोचा कोई ड्रोन शॉट लेते हैं, ड्रोन उड़ाते हैं अगर विंड थोड़ी ज़्यादा ना हुई, विंड बड़ी तेज़ चली हुई है, तो देखते हैं अगर ड्रोन कैप्चर कर सकता है कोई मोमेंट्स खूबसूरत से। फिश एंड चिप्स से हम फिर आ गए हैं। कल हम इधर आए थे, आपने देखा था जो इनकी फिश एंड चिप्स थी वन ऑफ द बेस्ट थी। तो बड़े अवार्ड वुड लगे हुए हैं, तो ये देखें आप साइड पे उधर देखें बड़े अवार्ड वगैरह लगे हुए हैं पीछे। तो काफ़ी बिजी है ये भी और बहुत ही मतलब अच्छी जगह। तो हमने सोचा अवार्ड विनिंग फिश एंड चिप्स से फिर रुके उसी तरह जिस तरह उस दिन कल रुके थे, तो फिश एंड चिप्स इनकी इंजॉय करते हैं। ग्लासगो यहाँ से तकरीबन और 2-3 घंटे की ड्राइव है इजीली, लेकिन हम बड़े आराम से जा रहे हैं सुकून से। रास्ते में भी अच्छी जगह आती है तो देखते हैं, थोड़ा माहौल भी इंजॉय करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो ग्लासगो तक पहुँचते अभी महल में हमारी हो जानी है शाम, तो ड्राइवर भाई भी थोड़ा सा थका हुआ है। बेचारे भाई थक तो नहीं गए आप? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल तो नहीं थका। अभी तो ड्राइवर हमारे पास तीन ड्राइवर पड़े हुए हैं, तीन ड्राइवर रिजर्व में रखे हुए हैं। तो चले जी इंशाल्लाह अभी ग्लासगो की तरफ जाते हैं अभी, तो रास्ते में कोई अच्छी जगह आई आपको उस तरह ही दिखाएंगे।
जी तो स्कॉटलैंड का टूर यहीं पे करते हैं एंड बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा हमारा स्कॉटलैंड में। ये पीछे मेरा है लॉक लोमंड जिसको लेक लोमंड भी कहते हैं। तो हम यहाँ से गए थे फोर्ट विलियम के एरिया में, फोर्ट विलियम से भी हम वापस जा रहे हैं इंग्लैंड की तरफ, पहले एडिनबरा फिर ग्लासगो आएगा। तो इस स्कॉटलैंड की सीरियल को यहीं पे करते हैं एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने यहाँ तक वीडियोस देखी, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर भी करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कहीं मिलेंगे, नेक्स्ट सीरियल में कहीं मिलेंगे, किसी नई जगह, किसी नए देश, किसी नई खूबसूरत जगह पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।